वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हरा दिया। वहीं इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई। अब 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया ने बुधवार को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटाया है। साथ ही आपको बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 49.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 212 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 47.2 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया और मुकाबला जीत लिया। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की हाइलाइट्स की बात करें तो लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने शानदार शुरुआत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका 60 रनों के स्कोर पर डेविड वार्नर के रूप में लगा। डेविड वार्नर 29 रन बनाकर एडम मार्करम का शिकार हुए। वहीं ट्रेविस हेड 62 रन बनाकर केशव महाराज का शिकार बने। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ दोहरा शतक लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल को तबरेज शमशी ने 1 रनों के निजी स्कोर पर चलता किया, लेकिन अंत के ओवरों में जोश इंग्लिस ने महत्वपूर्ण 28 रन बनाकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। वहीं अंत में कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने टीम को 16 गेंद रहते ही जीत दिला दी। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो साउथ अफ्रीका की ओर से क्वेट जी और तबरेज शमसी को 2-2 सफलता मिली। वहीं कगिशोर अबाडा, एडन मार्करम और केशव महाराज को 1-1 विकेट मिला। वहीं अगर हाइलाइट्स की बात करें तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने 1 रनों के स्कोर पर कप्तान तेम्बा बाउमा का विकेट गंवाया। उन्हें मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में आउट किया। बाउमा खाता भी नहीं खोल सके। 10 रनों के अंदर ही अफ्रीकी टीम ने दूसरे ओपनर क्विंटन डिकॉक का 3 रनों पर विकेट गंवा दिया। क्विंटन डिकॉक को जोश हेजलवुड ने आउट किया। शुरुआत के 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 18 रन बनाने में 2 विकेट गंवा दिए। वहीं मिडिल ओवर्स के शुरुआत में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज दबाव में दिखे। 12वें ओवर में 24 रन पर 4th विकेट गंवाने के बाद हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 31वें ओवर तक बल्लेबाजी की। इस बीच क्लासेन और मिलर की जोड़ी ने 95 रनों की साझेदारी करके अफ्रीकी पारी को आगे बढ़ाया। अफ्रीकी टीम दबाव से उबर ही रही थी कि 31वां ओवर लेकर आए ट्रेविस हेड ने लगातार 2 विकेट लेकर फिर दबाव बना दिया। उन्होंने क्लासेन को आउट किया और 95 रनों की साझेदारी को तोड़ कर रख दिया और फिर मार्को येंसन को 0 रनों पर पवेलियन की राह दिखाई। ऐसे में मिलर ने रन बनाने का जिम्मा संभाला और वनडे करियर की 25वीं 50 पूरी की। बीच के 30 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर 101 रन बनाए। वहीं 40 ओवर के बाद अफ्रीकी टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन रहा। वहीं डेथ ओवर्स में साउथ अफ्रीकी टीम बड़ा स्कोर बनाने में असफल रही। हालांकि इस ओवर्स में डेविड मिलर ने अपना शतक भी पूरा किया। डेथ ओवर्स के दौरान साउथ अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर क्रीज पर थे। टीम ने हर ओवर में बाउंड्री निकालने की कोशिश की। वहीं मिलर ने बड़े शॉट्स खेले और शतक भी पूरा किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान शानदार गेंदबाजी की। बॉलर्स ने बाउंड्री लगने पर प्रेशर नहीं लिया और सटीक गेंदबाजी की। वहीं 44वें, 47वें और 48वें ओवर में टीम ने विकेट लिए और मोमेंटम बनने ही नहीं दिया। वहीं डेथ ओवर्स में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने 4 विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को 3-3 सफलता मिली। वहीं जोश हेजलवुड और ट्रेविस हेड को 2-2 सफलता मिली।